हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रिट्ज आर्ट एंड क्राफ्ट। होप मेरा पुराना वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वो कैंडल लाइट की होल्डर्स अगर आपने नहीं बनाए हो तो शायद नेक्स्ट दिवाली तक आप बना लें। और आज मैं कुछ वैसा ही मिलता जुलता एक और वीडियो शेयर करूँगी, जो मैंने अपनी फ़ोटोज शेयर की थी मेरी दिवाली की, जो जिसमें टी लाइट कैंडल होल्डर्स भी मैंने डेकोरेट किए थे। वहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने मेरे मेन डोर पे दो हैंगिंग्स लगा रखे थे वॉल पर, वो भी कुछ ऐसा ही बने बनाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका भी आपके साथ क्राफ्ट वर्क शेयर किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, और एज़ यूजुअल हमारा एपिसोड है ही बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो चले देखते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए। एक अमेज़ॉन का पार्सल था एज़ यूजुअल, कुरियर, उसका मैंने बॉक्स रख लिया है। इसका हम बोर्ड, जो कार्डबोर्ड है उसको यूज़ करेंगे। दो बॉटल्स लिए हैं प्लास्टिक के, वो बॉटल्स की जगह आप ट्रांसपेरेंट ग्लासेस भी ले सकते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक बर्थडे पार्टीज में हम लोग यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। एक फेविकॉल, सीज़र, न्यूज़पेपर, कुछ डेकोरेटिव मटेरियल्स, मस्किन टेप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑब्वियसली पानी भी लगेगा। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो सेम ऑलमोस्ट वैसी ही है सब। इसमें सिर्फ हम कलर्स, लेकिन क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट बॉटल को डेकोरेट करेंगे तो उसके लिए हम ग्लास कलर्स भी यूज़ करेंगे, और वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे। चलिए चलते हैं, अपने क्राफ्ट वर्क को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा बोर्ड जो था वो एक जैसे पिज्ज़ा बॉक्स होता है वैसा था, तो मैंने इसे पूरा खोल लिया है। और अब हम इसके ऊपर, अगर आपने राजस्थानी मतलब अगर आपने राजस्थान का आर्किटेक्चर देखा हो तो उनका एक विंडोज़ का यूनिक स्टाइल होता है, विंडोज़ एंड डोर्स का, तो हम उसी डिज़ाइन का पहले इसमें ड्रॉ कर लेंगे और फिर देखते हैं उसको हम क्या करेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं कि मैंने बॉक्स बना लिया। ये मैंने 10 इंचेस लिया, ये मैंने 12 इंचेस लिया, लंबा ज़्यादा लिया, और इसके ओवरऑल 2-2 इंचेस का मैंने गैप डाल दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 2-2 इंचेस का मैंने मार्जिन देके एक अंदर भी एक बॉक्स बना लिया, और इसका मिड लेके और यहाँ से ड्रॉप करते हुए यहाँ तक 1.5, यहाँ से यहाँ 1.5, और एक जस्ट एक रफली एक शेप दे दिया, जो मैंने आपको बताया था राजस्थानी आर्किटेक्ट में जो विंडोज़ का डिज़ाइन होता है हम वैसा ही बनाएंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने ये विंडो को कट कर लिया है, और अब हम इसके अंदर एक फिगर बिठाएंगे, जैसे कि आपने मेरी फ़ोटो में देखा था, तो आप वो फिगर काट लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने दो विंडोज़ काट लिए हैं और दो फिगर्स भी काट लिए हैं। अभी इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और छोटे छोटे बॉक्सेस काटेंगे, जैसे ब्रिक्स होती हैं, और वो हम इसके चारों तरफ प्लेस कर देंगे। सबने देखा ही होगा ब्रिक्स कैसे लगती हैं, और इसके जो यहाँ स्ट्रेट में हैं पैरेलल, हम न्यूज़पेपर से बनाएंगे और इसके ऊपर हाईलाइट करेंगे कि वो जैसा जो मैंने पहले भी बोला था राजस्थानी आर्किटेक्ट, उसका लुक देने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने विंडो को भी डिज़ाइन दे दिया है, इस फिगर का भी एक हेडगेयर बना दिया है, और ब्रिक्स भी जो मैंने काटे थे छोटे छोटे वो चिपका दिए हैं। इस विंडो का ऐसा लुक है, ये विंडो ऐसी दिख रही है।
मैंने दोनों तैयार कर लिया है। अभी ये जब सूख जाएगा तो इसके ऊपर मैं सेम लास्ट वीडियो की तरह ही प्लास्टर ऑफ पेरिस, फेविकॉल और पानी का मिक्सचर बनाऊंगी और इसके ऊपर एक कोट उसका कर दूंगी ताकि ये हार्ड भी हो जाए और थोड़ा मजबूत स्ट्रांग भी हो जाए। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो सेम वही प्रोसीजर, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसे थोड़ा पानी में मिक्स कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और थोड़ा फेविकॉल ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को हम इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे। अभी मैंने एक कोट इसमें कर दिया है, ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं देखूंगी अगर इसको एक कोट और की ज़रूरत है तो एक और कर दूंगी, अदरवाइज असली में तो जब सूख जाएगा तो ही पता चलेगा। तो वेट करते हैं इसके ड्राई होने का और तब तक हम एक जो कैंडल लाइट का स्टैंड था, जो एक ग्लास टाइप था, उसको बना लेते हैं, उसको प्लास्टिक बॉटल का कटिंग कर लेते हैं। ये दो मशरूम शेप्स काट लिए हैं जिसमें कैंडल्स को हम स्टैंड करेंगे और ये इस तरह से स्टिक होगा, लेकिन उससे पहले ताकि ये स्ट्रेट रहे और ये मुड़े ना, तो उसके लिए हमें पेस्ट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसके नीचे एक मैंने स्ट्रिप काटी लंबी और उसको राउंड शेप देके इस पीछे वाले जो एक्स्ट्रा था पार्ट उसके साथ मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स पे ज्वाइन कर दिया और इसको हल्का सा मोड़कर और इसको एक राउंड शेप दे दिया। तो जब ये लगेगा तो ये सीधा रहेगा और ये मुड़ेगा नहीं। तो इसके सूखने के बाद हम इसे अटैच करेंगे और इसको भी एक कोट प्लास्टर ऑफ पेरिस का दे देंगे। जब तक हमारा वो सूखता है तब तक हम अपने जो हमने बॉटल्स के कट किए थे इनको हम ग्लास पेंट से पेंट कर लेते हैं। ये देखिए ये पूरे ड्राई हो गए हैं और अच्छे हार्ड भी हो गए हैं और अब हम करेंगे इसे पेंट और थोड़ा सा जो फिगर है उसको हम थोड़ा फेस और उसको लुक देंगे एक मेल का। तो आइए पेंट करते हैं। पूरा मैंने पेंट कर लिया है, अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे नीचे पहले ब्राउन किया था और उसके ऊपर थोड़ा सा येलो और रेड का ड्राई ब्रश किया है और इसकी मिक्स की लुक देने के लिए मैंने हल्का हल्का ड्राई ब्रश से ब्लैक किया है ताकि वो थोड़ा थोड़ा आपको दिख सके कि ब्रिक्स है। अब देखिए शेड्स भी आ रहे हैं, सिर्फ लाइट हल्का सा ड्राई ब्रश किया है ब्राउन के ऊपर रेड येलो और लाइंस के लिए ब्लैक। ये देखिए ये पूरा ड्राई हो गया, अभी मैंने इसके फीचर्स भी बना दिए हैं। अभी हमें इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे हम वही अपने डेकोरेटिव मटेरियल से। इसके ये भी ड्राई हो चुके हैं, जब मैं पेंट करने लगी तो मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 3 ही कलर्स हैं तो मैंने सिर्फ उन्हीं के साथ इसको पेंट किया है। और मैंने ये 4 ऐसा रफली एक लाइक अ हैंड ये कट किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे लगाना है। तो वो ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने इसको पकड़ा हुआ है और वो कैंडल लाइट होल्डर्स को होल्ड किया हुआ है। तो अभी मैं इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। अभी हाथ में चिपकाऊंगी इसके ये एज पे मैं ग्लू लगा के जस्ट इसको स्ट्रेट ऐसे ही चिपकाऊंगी।
और अभी हमें इसे सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और जब ड्राई होगा तो हम इसे लगा लेंगे। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है और मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। आप ऐसे जहाँ भी मुझे अच्छा लगे एंट्रेंस पे या अंदर कहीं मैं इसे डेकोरेट कर लूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सच में ये क्राफ्ट अमेजिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए हैप्पी दिवाली और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।